गाइस, आज का वीडियो होने वाला है हिप्नोटिस्ट का, और जे नॉर्मल हिप्नोटिस्ट नहीं है, जे है इस गेम का मैक्स हिप्नोटिस्ट, यानी कि अल्टीमेट हिप्नोटिस्ट। ये क्या है? और इसके पास इतनी खतरनाक एबिलिटीज है, वो तो आपको मैच में ही पता चल जाएगा। तो मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इम्पोस्टर ने डोर क्लोज की है, यानी कि प्रो इम्पोस्टर आया हुआ है। डोर क्लोज करने के बाद उसने लाइट्स वाला सर्वर टेस्ट दिया, और मैं यहाँ पे टास्क करने देख रहा हूँ। कोई बंदा आया यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है कोई बंदा वेपन्स वाला टास्क कर रहा है, लेकिन लोन मैं मीडियम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई बंदा दिखा ही नहीं। बंदा भाई मिस्टर इंडिया हो गया। और इतने में डेड बॉडी रिपोर्ट की है, डेड बॉडी इस बंदे ने रिपोर्ट किया। मीटिंग में ये बंदा वोट आउट करके निकलवा देता है एक बंदे को, और जिस बंदे को ये वोट आउट करवाता है वो स्वैपर निकलता है, और वो दूसरे बंदे पे स्वैप मार देता है, और जिस बंदे पे स्वैप मारा जाता है वो अपना हंटर निकलता है, लेकिन वो किसी बंदे को हंट नहीं करता। बहुत ही अच्छा स्पेस क्रू था ये, जो किसी भी बंदे को हंट करके नहीं जाता है, वरना आजकल के हंटर गेम में इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, मतलब कि सही सलामत बंदे को भी वो हंट करके चले जाते हैं। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। इसी के साथ ही एक स्पेस क्रू गेम से आउट हो चुका है, और एक स्पेस क्रू मर चुका है, और जल्दी से जल्दी मिनियन बनाना पड़ेगा मेरे को। मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी बंदे को मिनियन बना लो, मैं इसी बंदे को मिनियन बना लेते हैं, ये बंदा प्रो लग रहा है। लेकिन बंदे डेड बॉडी, मतलब बंदे मीटिंग बुलाने से नहीं हट रहे भाई, ना डेड बॉडी रिपोर्ट हो रही है ना कुछ हो रहा है, फिर भी मीटिंग पे मीटिंग मिटाए जा रहे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस बंदे ने मीटिंग बिठा के एक और बंदे को वोट आउट करके निकलवा दिया, क्यों निकलवाया है पता नहीं। इसके साथ ही इस बंदे को भी वोट आउट करके फेंक दिया गया है, जिसकी एक आंख थी, और ये गॉडज़िला भाई, गॉडज़िला है ये बंदा। इसी के साथ ही ये बंदा भी गेम से आउट हो चुका है, और एक बंदा मैजिशियन है, उसने बॉडी ड्रॉप करके दिखा दिया। अब मेरे को किसी बंदे को मिनियन बनाना है, और मैं इसी बंदे को मिनियन बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही प्रो लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको मिनियन बना लेते हैं। उसके बाद शुरू होने वाला है असली हिप्नोटिस का गेम प्ले। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को मिनियन बना लिया। मिनियन बनाने के बाद मैं जल्दी से किल करने वाला हूँ, और मेरा किल कूलडाउन देखो 25 सेकंड का है, क्योंकि ये अल्टीमेट हिप्नोटिस्ट है, इसका भी किल कूलडाउन उतना ही होता है जितना इम्पोस्टर का होता है। अरे बाबा, मेरे पार्टनर ने ऐसे ही मीटिंग बिठा दिया, और मेरा पार्टनर एक बंदे को वोट आउट करके निकलवा देने वाला है, मेरे पार्टनर ने एक और बंदे को वोट आउट करके निकलवा दिया मीटिंग से, मतलब कि पूरा मैच डोमिनेट कर रहा था मेरा पार्टनर, सारे बंदे मेरे पार्टनर की बात मान रहे थे, और मीटिंग में मेरे को कुछ बोलने का भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, सारा मेरा पार्टनर ही संभाल रहा था। अभी भी गेम में एक इम्पोस्टर बचा हुआ है, जो कि ढूंढना हुआ था थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम पूरा ट्राई करने वाले हैं उस बंदे को ढूंढने का। और लाइट वाला सर्वर टेस्ट फिर से आ चुका है, जैसे मैं लाइट सर्वर टेस्ट फिक्स करने जाऊंगा, अगर इम्पोस्टर होगा या स्पेस क्रू होगा, कोई भी होगा, उसको सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि वो 25 सेकंड में ही किल हो जाएगा, और इम्पोस्टर का मोए मोए हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे लो भाई, ये बंदा भाई मीटिंग पे मीटिंग बिठाया जा रहा है, इस बंदे को दिक्कत क्या है, ये अपना गेम का स्वैपर है। इस बंदे को पता नहीं क्या दिक्कत है, ये मेरे पे वोट आउट करवाता है, और दो वोट इस पे खुद पे आ जाती है, और उल्टा सीधा सायन पे स्वैप मार देता है। पता नहीं इस बंदे को क्या दिक्कत है, मैम बीपी की इतनी भूख, मतलब कि इतनी भूख मैंने कभी किसी में नहीं देखी। अब जल्दी से चलते हैं, इसी बंदे को मार दूं क्या जो स्वैपर बना हुआ है, ट्राई करते हैं। अगर ये बंदा आया इधर सर्वर टेस्ट फिक्स करने, तो सबसे पहले इसी को ही टपकाने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसने वैसे भी मेरे को दो किल नहीं करने दिए, वरना अभी तक मैं मैच ख़त्म कर देता ये वाला। इस बंदे को पूरा मारने का कोशिश करने वाले हैं, पूरा ट्राई करने वाले हैं, इस बंदे का मोए मोए कर दें। चलो भाई चलते हैं, लेकिन ये बंदा बच गया, ये बंदा लकी था, ये बंदा बच गया है। चलो डेड बॉडी रिपोर्ट करते हैं और मीटिंग बिठाते हैं। और वो वाला बंदा बाउंटी हंटर है जिसने किल किया है, लोल भाई वो अकेला बचे है मैच में। अब 1v2 होने वाला है, मैंने इसका मतलब इतने मज़े लिए ना इस बंदे के मीटिंग में, उसके बाद मैंने इसको वोट आउट करवाया। इसी के साथ ही हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं अल्टीमेट हिप्नोटिस्ट के साथ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पुलिस आ गई पुलिस, और इसी के साथ ही पुलिस का टाटा बाय बाय भी हो चुका है, और इसी के साथ ही ये मैच भी हमारा खत्म हो जाता है एक खतरनाक MVP के साथ। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में मैं फिर से आ चुका हूँ हिप्नोटिस्ट बन के, और देखते हैं लॉबी कैसा आने वाला है। और लोल वो बंदा फिर से आ गया जो मेरा पार्टनर था पिछले मैच में, तो ट्राई करेंगे इस मैच में भी इसको ही मैं अपना पार्टनर चुनने वाला हूँ,
और इस मैच में भी मतलब मोए मोए करने वाले हम सब बंद होगा। ये इसका गेम प्ले अच्छा है क्योंकि इस प्लेयर का, तो मेरे को पता है अगर मैं इसको मिनियन बनाऊंगा तो ये पूरा मैच निकालने में मेरा पूरा साथ देने वाला है, इसलिए मैंने लोल भाई फिर से भाई मिनियन क्यों नहीं बनाने देते, ये डेड बॉडी में डेड बॉडी रिपोर्ट करते रहते हैं बंदे। इन्होंने मतलब कि मेरा सर का मतलब दिमाग ख़राब करके रखा है। इसी के साथ एक बंदे को हमने वोट आउट करके फेंक दिया है, वो ये बंदा इम्पोस्टर होता है, इसलिए इसको टाटा गुड बाय कर दिया जाता है। और अब गेम में सिर्फ एक इम्पोस्टर बचा हुआ है और हम बचे हुए हैं, यानी कि हिप्नोटिस्ट बचा हुआ है, वो फैंटम जो है वो भी गेम से बाहर हो चुका है। मैं तो इसी बंदे को बनाने वाला हूँ अपना हिप्नोटिस्ट, मतलब कि मिनियन बनाने वाला हूँ। ये बंदा इमोट बाजी करते करते ही मेरा मिनियन बन जाने वाला है और इसको पता भी नहीं होने वाला है इसके साथ क्या होने वाला है। और मेरा किल कूल डाउन भी बढ़ने वाला है क्योंकि मेरा किल कूल डाउन भी उतना ही है जितना कि नॉर्मल इम्पोस्टर का किल कूल डाउन होता है। और मेरा किल कूल डाउन जैसे पूरा होगा, और लॉल टाइम मास्टर ने टाइम स्टॉप कर दिया। अगर येलो टाइम मास्टर हुआ ना मैं मतलब मेरा मोए मोए होने वाला है, लेकिन येलो अपना टाइम मास्टर मतलब टाइम असैसिन आई मीन अगर येलो अपना टाइम असैसिन होता तो मेरा मोए मोए हो जाता, लेकिन येलो अपना टाइम असैसिन नहीं था। और ये दिया, मेरे को दिया से डर लग रहा है, जंपी लगा के आई है दिया। मैं भी ये डॉक्टर हो लेकिन इसने डेड बॉडी ही रिपोर्ट कर दिया है, इतना तो पता है कि दिया अपनी सेव है, ये इम्पोस्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर क्यों? अब देखते हैं मीटिंग में क्या होना चाहिए। मीटिंग में मेरा पार्टनर फिर से एक बंदे को वोट आउट करवा देता है अपनी, मतलब कि उसके पास बड़ी अच्छी स्किल थी मेरे पार्टनर के पास बंदों को वोट आउट करवाने की, और मेरे पार्टनर ने एक और बंदे को वोट आउट करवा के निकलवा दिया। अभी एक इम्पोस्टर को मारना है और ये गेम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो इम्पोस्टर है कौन वो नहीं पता हम लोगों को, और जब तक वो नहीं पता चलेगा हम लोग इस मैच को जीत नहीं पाएंगे। तो ढूंढते हैं उस इम्पोस्टर को, फैंटम का एक टास्क बचा है, फैंटम भी अपना पूरा जोर लगा रहा है इस मैच को जीतने का। क्या फैंटम इस मैच को जीत जाएगा या फिर हम लोग इस मैच को जीतेंगे, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। और टाइम असैसिन ने टाइम स्टॉप किया है, टाइम असैसिन टाइम स्टॉप करके लगता है फैंटम पकड़ने में बिजी है, और देखते हैं क्या होता है। लो फैंटम को मार दिया, ये टाइम असैसिन ने टाइम स्टॉप करके फैंटम को ही पकड़ा। और मेरा पार्टनर यहाँ पे सवर डेज फिक्स कर रहा है, मेरे पार्टनर ने सवर डेज फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। और मीटिंग में ऑरेंज जो अपनी दिया है उसने मीटिंग बिठा दिया, और एक फैंटम किल हो चुका है, फैंटम का मोए मोए हो चुका है। अब गेम में एक बंदा बचा होता है जो पिंक होता है, जो अपने आप को वेटरन बोल रहा होता है क्योंकि गेम का वेटरन तो पहले ही मर चुका होता है, इसलिए हम लोग पिंक को वोट आउट करके फेंक देते हैं और पिंक अपना इम्पोस्टर निकलता है। इसी के साथ ही हम लोग इस मैच को जीत जाते हैं और मेरे को एज अ मतलब कि हिप्नोटिस्ट मिल जाता है एक और MVP। तो ये था हिप्नोटिस्ट का गेम प्ले। गेम प्ले अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।